मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व के भीषणतम त्रासदी से उबर कर उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मित्रों, हम सभी पानी गर्म करने के लिए डायरेक्ट पानी को कभी गर्म नहीं करते हैं, किसी पात्र में जल रखकर पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म हो जाता है, हमारा निहितार्थ पूरा हो जाता है। हम पानी गर्म करना चाहते हैं, हमारा निहितार्थ पूरा हो जाता है। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हमें करना कुछ और रहता है, करते कुछ और हैं और हमारा निहितार्थ पूरा हो जाता है। आई दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, आर्ट टू बिकम MD RT इन इंश्योरेंस बिजनेस। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, कृपया से शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आर टू बिकम MD RT इन इंश्योरेंस बिजनेस। MD RT इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम है, एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। MD RT अचीवर को एक सर्टिफिकेट मिलता है और फॉरेन टूर मिलता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका रिकॉग्निशन और MD RT क्वालिफाई करना। बेसिकली ये बिजनेस से रिलेट करता है, एक सर्टेन अमाउंट बिजनेस का साल में अचीव करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर इनकम। यह निर्धारित है प्रीमियम के हिसाब से 37,37,600 अप्रोक्सम 38,000 माने 38 लाख, और कमीशन का 9,34,400 उसको 10 लाख माने, मतलब 10 से 12 लाख कमीशन साल का और 38 लाख रुपये 38 से 40 लाख MD RT का प्रीमियम कलेक्शन। मतलब MD RT अचीवर की मोटा मोटी कहें तो मंथली इनकम उसके अप्रोक्स 1 लाख रुपये की हो जाती है। तो ये आर्थिक आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण बेस है और रिकॉग्निशन के हिसाब से भी, और जो व्यक्ति इसको क्वालिफाई कर लेता है इंश्योरेंस में उसकी एक बहुत बड़ी पहचान बन जाती है। अब प्रश्न ये है कि 1 लाख रुपया कमाना पर मंथ कोई छोटी बात नहीं है। 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति समाज में जो हम देखते हैं, डॉक्टर, कितने दिनों का एजुकेशन उसकी, 5 इयर्स का, कड़ी मेहनत के साथ उसकी पढ़ाई, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, इंजीनियर 5 इयर्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अदर्स प्रोफेशनल, इन सभी की 4 से 5 सालों की कड़ी मेहनत की एजुकेशन है, पढ़ाई है, स्कूल एजुकेशन है एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही है, तब जाकर ये समुदाय लगभग 1 लाख एंड एबव कमाने के योग्य बन जाता है। परंतु आपका जो ये व्यवसाय इंश्योरेंस का व्यवसाय है, जिसमें एक बहुत ही मानक लक्ष्य है, एक स्टेज है MD RT का, वहाँ तक जो व्यक्ति पहुँच गया, इट इज सपोज ही इज गेटिंग 1 लाख
एंड एवो पर मंथ, ये बहुत ही एक सम्मानजनक स्थिति है। परंतु समाज के ये लोग इतनी लंबी पढ़ाई थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करने के बाद इस लायक बन पाते हैं कि 1 लाख एंड प्लस कमा सकें। जो व्यक्ति, जो बंदा इंश्योरेंस के बिजनेस में आता है, वो कितने दिनों की पढ़ाई करता है, उनका काम क्या होता है? बात समझ में आ रही ना कि यहाँ तो 5 साल 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद एक डिग्री हासिल होती है और उसके पास टेक्निकल नॉलेज सब कुछ आ जाता है, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, लेयर के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एंड ही इज एबल टू गेट यर्न लाख्स ऑफ रुपीज पर मंथ। यहाँ इंश्योरेंस प्रोफेशनल के केस में कौन सी पढ़ाई 3 साल की करते हैं, 2 साल की करते हैं, 4 साल की करते हैं? नथिंग। और आपका काम क्या होता है? काम होता है लोगों को प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द कस्टमर, उसके मन की बात जानना, उसको एनालिसिस करना, नीड एनालिसिस करना, और वो व्यक्ति जिससे हम आज बात करते हैं कल क्या कहेगा इसका हमको पता नहीं। आज जिसको हम फ़ोन करते हैं कल वो फ़ोन उठाएगा भी कि नहीं कि पता नहीं, अगर फ़ोन भी उठाएगा तो आज जो बात कहा है कल वो क्या कहा है कुछ पता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई साइंस डेवलप नहीं हुआ जो ये एसर्टेन कर सके कि हमारे सामने बैठा हुआ आदमी जो बात आज कर रहा है कल वो क्या कहेगा इसका सर्टेनिटी कहीं नहीं है। डॉक्टर जो पढ़ाई करता है, ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करता है, और ह्यूमन बॉडी के एनालिसिस में वो पाता है कि हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड और नर्व में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यह स्थापित सत्य पिछले 50, 100 साल, 200 साल, 400 साल इससे भी पहले से स्थापित सत्य है और उसी के आज भी अध्ययन करता है। साइंटिस्ट जो H2O का, जल का जो एनालिसिस करता है, तो पाता है कि 2 अणु ऑक्सीजन और 1 अणु ऑक्सीजन मिलकर, 2 अणु हाइड्रोजन 1 अणु ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह स्थापित सत्य है हजारों साल से, पानी चाहे जहाँ कम हो। भाप की शक्ति भाप को रोकने से बनती है और पानी से बिजली पैदा करने के लिए पानी के प्रवाह को रोकना पड़ता है, यह स्थापित सत्य है। और उस स्थापित सत्य को भी वैज्ञानिक और डॉक्टर और इंजीनियर फिर पढ़ते हैं, परंतु जो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड बिजनेस है, एक्चुअली इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है? विन ओवर द माइंड ऑफ अनदर आफ्टर एसेसिंग हिज इकोनॉमिक पोजिशन, उसके माइंड को विन ओवर करना कि हमारी बातें सुन ले, हमारी बातें समझ ले, इम्पोर्टेंस उसी का है, फ़ायदा उसी का है। सब कुछ के बावजूद भी लोग फेल होते हैं और फेल ही होते हैं, फेल ही होने के कारण ही आज 20 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हिंदुस्तान में हैं। अकेले 10 लाख तो सिर्फ LIC में है, तो मोटा मोटी 20 लाख सभी मिला के रखें तो उसमें MDRT अचीवर्स का परसेंटेज 0.11 के आसपास है, 0.1% भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता, कितनी बड़ी असफलता है। तो इस असफलता के पीछे, और ऐसे नहीं है, लोग अगर प्रयास करते हैं, ढूंढ के पक्के हैं और अपनी गलतियों को निवारण करते हैं, समझते हैं, तो फिर अचीव भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो MDRT अचीव करने वाले लोग हैं उसको तो फिर वही असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या गलती रह गई इसे सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, MDRT करने वालों के लिए ये लाइनें बड़ी उपयुक्त बैठती है। और मैंने जैसे बताया कि आपको 1 लाख रुपया महीने का कमाना है, देन यू विल बिकम MDRT क्वालिफायर। और आपने देखा कि आपके बिजनेस में इस टाइप की लंबी कोई पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, बावजूद आपको
सीख कर ही आगे बढ़ना है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से लोग 20-20 साल से लोग हैं, बट दे हैव नॉट परफॉर्म, बहुत कम सक्सेस परसेंटेज। अब मैं बताऊंगा कि जहां साइंस फेल हो गया, मैंने यही बताया कि साइंस में सारे स्थापित सत्य है। हार्ट में डॉक्टर जो एनालिसिस करता है स्थापित सत्य है कि आर्टरी में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वेंस में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सैकड़ों वर्षों से स्थापित उसी का अध्ययन करता है। परंतु हमारे सामने बैठा व्यक्ति आज जिसे हम बात करें कल क्या करेगा, इसका कोई साइंस ही नहीं है कि वो कन्फर्म कर सके कि क्या कल कहेगा, कुछ भी कर सकता है। तो जहाँ साइंस फेल हो जाता है वहाँ आर्ट की जरूरत पड़ती है, कला। मैं इस पर बताऊँगा कि कैसे आदमी के दिल को मन को जीतना पड़ता है, और जो उस कला में माहिर है वो व्यक्ति विनर है। ह्यूमन रिलेशन का बिजनेस है, इंश्योरेंस ह्यूमन रिलेशन का बिजनेस है। जिस व्यक्ति की जितने ज़्यादा परिचय होगा, संबंध होगा, कंटेक्ट होगा, बातें होगी, लोगों के बीच एक्सेप्टेबिलिटी होगी, एसेसिबिलिटी होगी, वही व्यक्ति ज़्यादा सफल हो पाता है। इसके लिए आदमी की एक सीमाएं हैं, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अप्रोच बात नहीं हो सकती है, आदमी के रिलेशन को विन ओवर करनी पड़ती है। और आदमी के रिलेशन को विन ओवर करने के लिए आप उस संबंधों को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और मैं बता दूं, इंसान की ज़िंदगी में स्वार्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है और सारे संबंधों की बुनियाद स्वार्थ है। आप जिससे थोड़ा भी परिचय हो उस व्यक्ति को परिचय को एस्टेब्लिश करने के लिए आप कल से शुरू कर दें, किसी किसी मौके पर उसको कुछ गिफ्टिंग करना, कुछ देना। हर व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है, ये मानवीय कमजोरी है। ये कहीं कोई किसी की शिकायत और ये की बात नहीं है, मानवीय कमजोरी हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। आप उसको देना शुरू करें किसी किसी मौके पर, साल में 2-4-5 बार, आप देखना। उसके बाद उसके और आपके बीच के व्यवहार का फर्क देख लेना। बहुत बड़ा फर्क आएगा, और उसके बाद आपके और उसके बीच के संबंधों का अपनापन, नज़दीकी, गहरापन, सारी चीज़ें बदल जाएगी। और कल होकर जब आप कोई बात करेंगे तो शायद वो नाना कह पाए। ये है मानवीय संबंधों को विन ओवर करने की कला। ये बहुत बड़ा टिप्स है इस बिजनेस में, बहुत बड़ा टिप्स है। अगर इसको जिसने अडॉप्ट कर लिया, ही विल बी विनर। बावजूद इसके अब मैं बात करूंगा कि एक्चुअली MDRT अचीव करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि रिक्वायर्स 38 लाख का प्रीमियम एंड ऑलमोस्ट 10 लाख का कमीशन इन ए ईयर, साल के 12 महीने 365 दिन में इस चीज़ को प्राप्त करनी रहती है। और इस चीज़ को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टिकट साइज ऑफ योर बिजनेस, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप 1,00,000, 2,000, 4,000, 5,000, 3,000 के बिजनेस करते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट उस लेवल तक आप जा सके। टिकट साइज, आप साल में कम से कम 40 व्यक्ति को ऐसे चुन लें जो उस लेवल का हो और एटलीस्ट 1 लाख का प्रीमियम दे सकता। नंबर 2, ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेडिशनल प्लान, ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेडिशनल प्लान विच विल इंश्योर योर कस्टमर एंड इंश्योर योरसेल्फ ऑल्सो। आप ट्रेडिशनल प्लान पर फोकस करें, हमेशा ग्रांटेड रिटर्न मिलता है उसमें।
कस्टमर आपसे कभी भी अलग नहीं जाएगा। और उस ट्रेडिशनल प्लान में आपकी जो आय होती है वो भी बहुत अच्छी आय होती है, विच विल हेल्प यू टू अचीव MDRT ऑन कमीशन बेसिस। नंबर 3, आप अगर महीने में 25 से 30 व्यक्ति का कांटेक्ट करते हैं तो इट विल कम्स अबाउट 200 एंड अबव ऑफ योर कांटेक्ट। और इस कांटेक्ट में अगर 20% से 25% भी अगर कन्वर्ट हो जाता है, दैट बिकम 40-50 कन्फर्म कस्टमर्स एट द लेवल ऑफ 1 लाख एंड अबव। तो इस प्रकार से साल में आपका कन्फर्म कस्टमर 40 से 50 ऐसे हो जाते हैं जिनको आपने वैसे प्लान का प्रेजेंटेशन किया है जहां एनुअल प्रीमियम किस्त जो है 1 लाख एंड प्लस होती है। और ध्यान रखें, कभी भी 10 लाख से नीचे सम इंश्योर्ड का प्लान ना दें। अगर 10 लाख नीचे का सम इंश्योर्ड का प्लान देंगे तो प्रीमियम आपका बहुत कम होगा, और आज के ज़माने में 10 लाख नीचे का कोई लेवल भी नहीं है। तो अगर ये करते हैं तो आपका 40 से 50 अगर कन्फर्म होता है तो इसमें आपका ऑलमोस्ट 40 लाख का प्रीमियम साल का बनता है ऑलमोस्ट। और इस 40 लाख के प्रीमियम में 10 से 12 लाख का कमीशन साल में बनता है। और इस तरह से आप साल में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर कमीशन बोथ लेवल पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये प्रश्न ये है कि ये सारी चीज़ें दैट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपका क्या है, कितने लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं। 40 और 50 लोग कन्फर्म कस्टमर के लिए उस लेवल का आपको कॉन्टैक्ट कितने लोगों का है, इसके लिए कम से कम 200 प्लस का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स आर एट द सेम लेवल, मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु इस टाइप का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने वही बताया कि टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट आप प्रेजेंटेशन किस टाइप का दे रहे हैं, उसको क्या बताए हैं पहले बता कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल में आप क्या उसको बताते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, विच इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव फॉर यू, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू, विच इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर यू, आप उसको बताते क्या हैं। दीज आर दी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आप उसको क्या बताएं, देन जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड। टाइप ऑफ प्लान वही बात आ गई, कौन सी प्लान की बात कर रहे हैं आप, कहीं इंश्योरेंस की सीप की तो बात नहीं कर रहे हैं आप, कहीं मार्केट लिंक प्लान की तो बात नहीं कर रहे हैं, इसको बचना है। और उसके बाद स्टडी आप करते हैं फर्स्ट मीट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, आप स्टडी करते हैं उसके मेंटल गेटअप का, सेटअप का, वह किस टाइप की उसकी सोच है। और इसी सोच को बदलने के लिए मैंने जो अभी टेक्निक बताई वह इसी सोच के लिए। तो दीज आर दी वेज, आप इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए मैंने जो टिप्स दिया है यह MDRT के लिए बेहतरीन टिप्स है। मैं आपसे इस वीडियो पर कमेंट्स चाहूँगा, सजेशन चाहूँगा, और वीडियो अगर आपके अनुकूल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।